तो देखिए गाइस, अभी ब्रेड रात के 3 बजे हम तो रात के 3 बजे हम सीख रहे हैं ब्रेड्स, क्योंकि हमको लगी है बहुत तेज भूख। शेफ अमित आए हुए हैं आज, छतरपुर से बुलाया गया इनको स्पेशली रात को 3 बजे। वो तो ले, टिफिन तो ले साले। इसमें पता नहीं क्या है, चिकन है, चिकन मुर्गी, तो हम खा के निकलते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के 3:30 बज रहे हैं और हम लोग चल पड़े हैं अभी अपने यात्रा के लिए। तो देखिए, कंबल शंबल सब ले लिया, हाथ में लेके जा रहे हैं इस बार हम। और इस बार साथ में ट्रिप पर अमित है मेरा भाई, काफ़ी टाइम के बाद आपको ये व्लॉग में नज़र आएगा, शुरुआती व्लॉगों में ही नज़र आया था, उसके बाद अब नज़र आएगा। सो गाइस, देखिए एक बार फिर से हमारे चालक रेडी हैं। और आप से मालिक आदमी को नौकर बनाए रखते हैं लोग बिल्कुल ही। तो अभी गाड़ी बैक करके अब हम निकलते हुए, और पीछे अमित, ये देखिए लाइट जला देता हूँ, अपनी एडजस्टमेंट करते हुए अमित जी। अमित कुछ देखोगे बोलोगे आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये साथ में कौन पड़ा हुआ है? ये तो हमारे 65 किलो का आदमी। 65 किलो का आदमी। तो गाइस ओके, निकल पड़े अभी हम। मेरठ बाईपास पे रुके हैं, ये विशाल फैमिली ढाबा के उधर पर। और अभी हमारे जो भाई साहब हैं वो पानी वानी पीते हुए, अकेले बहुत मेहनत करते हैं ये। वाइट थम्स अप पी रहे हैं। और बाकी जो जो दो निठल्ले हैं वो गाड़ी में ही हैं। अब हम ये आपको इधर से भी दिखा देता हूँ, देखिए ये सारा बाईपास है, मेरठ बाईपास अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी हम इधर रुके, थोड़ा रिफ्रेश हो जाएं। कैसी लगी आपको वाइट थम्स अप पीकर? अरे क्या गाली वगैरह थे क्या? कभी वाइट पेप्सी पीते हैं, कभी कूलर वाली चाय पीते। तो इधर से रुके हुए हम, चाय चाय पी के निकलेंगे अभी। देखो कंबल में बैठे हैं बंदे, देखो ये अपने अनुकूल कंबल लेकर आए थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो गाइस सवेरा हो चुका है अभी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम लोग आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। हाँ जी, माचो मैन ये बाहुबली गाड़ी चलाते हुए। गाइस एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, आप बनाओ ना, आपको अच्छा चलना है। ये देखिए ट्रक से ट्रक भिड़ गए इधर पर, ये देखिए ये रोड पे रोड रेजिस तो चलते ही है। ओहो, तो भैया सेफ्टी का ध्यान रखें और सेफ्टी से चलें रोड पर। दो बड़े ट्रक एक आपस में भिड़े हुए थे भाई, कोई नहीं, हम अपनी स्पीड को कम रखते हुए, रफ्तार कम रखते हुए और गानों की आवाज को तेज रखते हुए, ये देखिए। तो ये देखिए गाइस, अभी हम मतलब रुड़की से थोड़ा सा ही पहले हैं। ये देखिए ये इधर का नज़ारा है, सुबह हो चुकी है, सामने वो सूरज कितनी तेज़ी से निकला हुआ है। ये हमारी गाड़ी है, ये देखिए सारा, और ये खेत खलियान
और ये भाई साहब पानी पीते हुए रुकेगा नहीं साला। ये थक जाते हैं यार, इनको इनके लिए तो सलूट बनता है, ये बेचारे अकेले ही हर ट्रिप पे गाड़ी चलाते हैं, ये तो तरस वाली बात है। मैं बहुत जल्दी अब मैं भी स्टीयरिंग संभालना स्टार्ट करने वाला हूँ यार, पर इधर ना ठंडा है, वेदर बहुत ठंडा है। तो ये देखिए ट्रॉली जा रही है, इधर ठंडा बहुत है, मतलब अपने दिल्ली से तो काफ़ी अच्छा वेदर है। अभी तो खैर धूप निकल रही है। गजब का है दिल देखो जरा। तो देखिए डॉगी है जो, उसको भूख लग रही है तो उसको अभी बिस्किट खिला रहे हैं, क्योंकि वो बहुत हमारे साले ढंग से डाल दे खा रहा है तो कोई नहीं बेटे, खा ले खा ले खा ले, इजी खाएगा इजी खाएगा। मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दोने, तेरे मस्त मस्त दोने, मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दोने। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार, और ये देखिए ये नदी बह रही है, गंगा नदी। जूम कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ये देखिए। तो अभी हम हरिद्वार में हैं और हमने अपनी गाड़ी कर दी है पार्क वहाँ पार्किंग में। तो अभी हम इधर से निकलते हैं और बाहर का अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाइस अभी हमारे पीछे का ये नज़ारा, प्लास्टिक वाले पड़े, और ये देखिए गंगा नदी। पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर चुके हैं और अभी हम सुबह का फर्स्ट सनशाइन का मज़ा लुत्फ उठा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और देखिए काफ़ी टाइम के बाद जो फर्स्ट कुछ ब्लॉग देखे थे आपने, मैं इनका परिचय करवा देता हूँ। ये अमित हैं और मनीष जी हमारे भाई साहब, इनको तो आप जानते हैं। हेलो सो गाइस, आप कैसे? और देखिए गंगा नदी बह रही है यहाँ से, कितना अच्छा, बिल्कुल एकदम अच्छा लग रहा है, और ये साफ है। हाँ तो ठीक है गाइस, अभी हम अंदर चलते हैं हर की पौड़ी के पास आसपास मार्केट वार्केट घूमते हैं, थोड़ा सा आपको भी घुमाते हैं स्पेशली। तो फिर उसके बाद हम आगे, हमारा कोई प्लान अभी कंफर्म नहीं हो रहा है, हम ऋषिकेश या मसूरी भी जा सकते हैं अभी, कुछ नहीं पता है अभी। तो आप बने रहिए, आपको जो जो भी जहाँ जहाँ भी हम बने रहते हैं, जहाँ जहाँ भी घूमते हैं वो आपको दिखाते रहेंगे। तो ये देखिए गाइस अभी हम हर की पौड़ी की तरफ जा रहे हैं, और वो जो ऊँचाई पर आपको नज़र आ रहा है ना, ये है मनसा देवी का मंदिर। तो ये एंट्रेंस है अभी, ये द्वार बन गया, पहले नहीं था ये येलो कलर का, ये अब नया बना है, मतलब जब मैं काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ। तो देखिए छोटे छोटे से ये मार्केट, तो पता ही है आपको, आप भी आए हुए होंगे तो आपने देखा ही होगा। ऐसे ही रुके, हमने बीच में स्टे लिया है, अभी हम देखते हैं आगे जहाँ पर भी जाना होगा या हमारा जो भी प्लान बनता है वो आपको दिखा देंगे। तो देखिए गाइस कितना रश है यार, लोग बैठे हुए हैं, ये टैटू बैठू, ये भाई साहब टैटू बनवा रहे हैं, ये पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं। इधर तो टैटू आर्टिस्ट बैठे हुए हैं सारे, और ये देखिए आप सारी चीज़ छोड़िए और ये देखिए गंगा नदी कैसा लग रहा है, काफ़ी अच्छा फ्लो है पानी का। चले पैदल वाले, और देखिए सामने इसको दिला दे, इसको सिला जी दिला रहे हैं हमारा बंदा, थोड़ा सा उसका लेवल डाउन है तो उसको सिला जी थोड़ा सा चेक कर रहे हैं। ये भैया सेल्फी स्टिक बेच रहे सामने, ये हर की पौड़ी आ चुकी है। नहीं पुराने ही है, पुराने ही। कितना रश है यार, ये देखिए कर
रश है बहुत, रश है। किसने बोला है? हाँ तो चलो ना फिर। हमारे भाई साहब अभी इधर से अपना गॉगल्स खरीदते हुए, बड़े बड़े हैं सारे, मेरे को भी लेना है। हैंडसम लग रहे हैं। हाँ अमित से पूछा गया है, अमित भी तो अच्छे लग रहे हैं। तो भाई साहब दे रहे हैं, दिखाओ मेरे एक बार, लगा के दिखाओ। बिल्कुल परफेक्ट है, ना छोटा ना बड़ा, एकदम बहुत मस्त लग रहे हो। तो देखा भाई साहब कितने मस्त लग रहे हैं। तो इन्होंने अब ये वाला चश्मा वो अपना लिए गॉगल्स चूज़ कर लिया है। कितने 100 रुपीज़ हो ले लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी ना है। ये हाथों से पहनाया गया राजकुमार को। चलो तो चला जाए आगे की ओर। पैदल चलने वाले व्यक्तियों के लिए भी जगह नहीं बची है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभी हमें तो इधर से इस मार्केट में से होते हुए जाना है, क्योंकि हमको जाना है ऊपर ट्रॉली में, मनसा देवी ट्रॉली में झूला झूलने के लिए। हाँ जी, क्या लस्सी बस्सी? हाँ अभी अभी गाइस, अभी हम अभी आपको, हम तो वो तो भूल ही गए, हम कचौड़ी चचौड़ी भी खाएंगे। देखिए कैसा ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली छः की गलियों में आ गए। हरिद्वार के पीछे की साइड वाली बैक वाली मार्केट का वो पूरा नज़ारा है यहाँ पर। और अभी हमको कुछ भूख लग चुकी है, नाश्ता वास्ता करना बनता है, तो अभी हम नाश्ता वास्ता कुछ करेंगे इधर पर। ये हमने ढूंढ लिया है कुछ कचौड़ी सब्जी, ये देखिए। तो अभी हम कचौड़ी सब्जी वाला नाश्ता करेंगे। प्लेट्स लगना स्टार्ट हो गई हैं, तो ये देखिए मेरी मेरे हाथ में आ चुकी है अभी। ये रही कचौड़ी ली है हमने, उसमें दही और मूली डाल के देते हैं ये लोग। कैसा टेस्ट है अमित? अच्छा है, गर्म है ज़्यादा? तो अभी मेरी, मैं तो ठंडी करके खाऊंगा। इतना हैंडसम गाय है जो कचौड़ी इधर पे बेच रहे हैं, देखिए देखिए है ना बंदे की स्टाइल। ये देखिए, वेल डन। ये क्या क्या लचक है यार बंदे में, क्या मस्ती है। ओके गाइज, पहले मैं भी अब अपना भी फिनिश कर लेता हूँ, कहीं इनके चक्कर में मैं रह जाऊँ। बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को, तो मुझे अच्छी लगी। इन भाइयों को ऑयली लग रही है थोड़ी सी, कम लाइक, पर हमें तो अच्छी लग रही है। ये लोग कम लाइक करते हैं और हम लोग तो खूब लाइक करते हैं। देखो जी, इसको कहते हैं उड़न खटोला, और ये बिट्टू सिंह टिकट देने जा रहे हैं अभी काउंटर पर। 122 रुपये का पर पर्सन टिकट है, और थोड़ी सी भीड़ है, लेकिन जल्दी मिल जाएगी हमें टिकट आपकी सुविधा के लिए। और ये देखो भाई को टिकट भी मिल गई है, बहुत खुशी की बात है। जी बड़ी खुशी की बात है, मैं चार टिकट हमारी एंट्री हो चुकी है अभी अंदर। मास्क लगा के जाओ सब, एंट्री हो चुकी है, सैनिटाइज कर रही है, मैंने नहीं करवा दी। और हम जाएंगे ट्रॉली के अंदर, ये देखिए ऐसे ही हम भी जाएंगे इसी ट्रॉली में। हमारी ट्रॉली मिल चुकी है, उड़ चुके हैं हवा में। ये देखिए, ये देखिए, अब हम जा रहे हैं ट्रॉली में ऊंचा ऊंचा। ओ वाओ, ये देखिए कैसे जाते जा रहे हैं हम ऊंचा ही ऊंचा। तो ये मेरा फर्स्ट अनुभव है ट्रॉली में बैठने का गाइस। ये देखिए पहाड़। तो ये देखिए मेरा फर्स्ट अनुभव है ये ट्रॉली में बैठने का, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप भी जरूर बताएगा, नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला के सारी दुनिया हिला दूंगा। जय माता दी, लेट्स रॉक। उड़न खटोला। तो ये देखिए गाइस, अब मैं ऊंचाइयों को छूता हुआ, और ये हमारे साइड से भी ट्रॉली जा रही है, देखिए लेट्स रॉक। ये देखिए ये ट्रॉली खाली आ रही है, ऐसे ही मैं वापस भी आऊंगा ट्रॉली में बैठ के। और ये देखिए कितनी ऊंचाई पर है अभी हम, काफी लोड के साथ ऊपर चलती हुई ट्रॉली, काफी प्रेशर में आ गई है। अब थोड़ी मध्यम गति से चल, काफी मजा आ रहा है मेरे को, बहुत मजा आ रहा है। मैं ऊंचाइयों को छू गया हूं, आप गाइस कहते हैं कैसा फील कर रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा।
मुझे बड़ा मजा आ रहा है, आपको कैसे मजा? मैं तो थक भी गया हूँ थोड़ा सा, मेरे पेट में गुड़ मेरे पेट। मैंने माता रानी से आज जो मांगा है ना वो कोई नहीं मांग पाएगा और मुझे मिल के ही रहेगा। वो पता है क्या है? 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देखना, मिलेंगे जरूर। आप सपोर्ट बनाए रखिए, आप देखते नहीं है ना रोज, सब्सक्राइब करवाओ और खुद भी देखो, मजे लो पूरे हमारे। देखिए वो सामने, देखिए आपको अगर मंदिर नजर आ रहा है आपको तो वो मंदिर है। और ये देखिए पीछे मेरे, हम कितनी ऊंचाई पर हैं, ये देखिए, देखा गाइस आपने, देखिए हम कितनी ऊंचाई पर हैं, वो देखिए। ओ माय गॉड, हम कहाँ से आ रहे हैं? थोड़ी सी तो देखिए गाइस फट्टू फट्टू होती है, पर हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, मैंने सिर्फ कैमरे पे ही ध्यान तान लिया है अपना। अगर मैं नीचे देखूंगा तो मेरी फट्टू फट्टू होके ही रहेगी, बट मैं फटने नहीं दूंगा क्योंकि जय माता दी है। वो देखिए आगे हिंद महासागर है, वो सारा नहीं, सॉरी यार, वो गंगा नदी है सारी, अगर आपको दिखाई दे रही है तो। दिख रहा है आपको नीचे का सारा व्यू, कितना जबरदस्त व्यू है। और तो अब हम इधर पर पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमको उतरना है, पहले उतर जाते हैं आराम से हम। मेरे अंदर अभी भक्ति का बिल्कुल अंदर मेरे आ चुकी है, मेरी अंतर आत्मा में। मैंने उन गार्ड भैया से पूछा कि मंदिर जाने का मार्ग कहाँ पर। देखिए गाइस अभी थोड़ी देर पहले जब हम भी ना ऐसे ही आए हैं ट्रॉली से, जैसे ये ट्रॉली आ रही है, ये उड़ती हुई कार नहीं ऑटो लग रहा है ये छोटा सा। ये भाई साहब की दोस्ती याद निभाने जा रहे हैं, इनकी कुछ मन की बातें हैं जो चल रही हैं अभी। बीच में अमित भी आ गए। हाँ गाइस क्या कहोगे? चश्मा लगा ले। गाइस अब हम वापसी जा रहे हैं, तेरा जा रहा है। तो गाइस माता रानी का आशीर्वाद लेने के बाद मैं निकल पड़ा हूँ ट्रॉली से सीधा नीचे। और ये देखिए अब की बार मेरे साथ कौन बैठे हुए हैं, महानुभव है। ये अभी अच्छे नजर आ रहे हैं, अभी तो हमने माथा टेका है, रात में हम कुछ और भी देखिएगा, भरपूर एंजॉय। तो अभी मैं आपको बैक कैमरे से व्यू दिखाता हूँ, बहुत कदर है। देखिए गाइस 122 रुपए खर्च कर रहे हैं मैंने इस ट्रॉली पे इन नज़ारों के लिए। ये कोई हंसने खेलने वाली बातें नहीं है, इतनी दूर आए हैं, बजट की यात्राएं कर रहे हैं। ये देखिए कैसा लग रहा है आपको ये सारा व्यू? ये मौसम, ये तो हटाओ, ये सनरूफ तो हटाओ। और ये देखिए हमारे भाई साहब लुत्फ उठाते हुए, ये आपातकालीन स्थिति में। हाँ ये आपातकालीन द्वार है और इसको सनरूफ भी बोल सकते हैं। तो हम ये खोलेंगे नहीं, कहीं हम कहीं आपत्ति में ना आ जाए किसी। गाइस अभी हम नीचे उतर जाते हैं ट्रॉली का, आपने बहुत सारा नज़ारा देख लिया है। अच्छा हाँ, वो मनसा देवी के लिए मज़ा बहुत आ रहा है। पर तो गाइस 500 रुपये खर्च करके हमने ट्रॉली में घूमे, हमें काफ़ी आनंद आया। थोड़ा सा तेज बोलेंगे, आनंद का लुत्फ कम। अरे आपकी आवाज़ को क्या हो गया? नहीं अभी भी नहीं पहुंच पाएगी आपकी आवाज़, ये दम कहाँ गया आपको? ठीक है गाइस, अमित की आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, अब मैं इनके की आवाज़ निकलवा देता हूँ। तो आपको 500 रुपए की ट्रॉली में घूम के कैसा आनंद लगा? ट्रॉली में घूमने का अनुभव बता सकते हैं आप, अपना साझा कीजिए थोड़ा। एक्चुअली ट्रॉली में पहले भी बैठा हुआ हूँ। अच्छा, तो अच्छा लगा, अच्छा थोड़ा सा रिलैक्स ऐसा लग रहा था, जल्दी हाँ। नेक्स्ट टाइम हम कभी अगर हम आपको मिले तो हम बुर्ज खलीफा ही मिलेंगे। यात्रा के बाद हम थोड़ा थक चुके हैं, अब हमने रिक्वेस्ट हो जाए तो हमने लस्सी पीने का फैसला किया। ये देखिए, अरे वाह, कुल्लड़ वाली लस्सी है। ठीक है, ये कुल्लड़ वाली लस्सी हाँ, भूल जाते हैं फोकस रहे। देखिए ये ऊपर हमारे हर की बॉडी, ये सारा ये हिस्सा, ये हर की बॉडी है। और हम इधर खड़े हुए हैं, हम थोड़ी सी हमने थोड़ी सी देर पर इधर पर स्टे लिया है, हम इधर हरिद्वार में रुकना नहीं है हमको, हम सिर्फ इधर पर थोड़ा सा घूमने के लिए, लस्सी वस्सी पीने और ट्रॉली को घूमने के लिए आए थे। ऊपर मंदिर भी जाना था। तो ठीक है, अब हम इधर से निकलते हैं। ओके ओके, तो
ओके गाइस देखिए हम हरिद्वार से अभी चल रहे हैं और अब हम सीधा ऋषिकेश की ओर जा रहे हैं। तो ओके गाइस अब हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और होटल हमने बुक कर लिया है अपना। देखिए ये हमारा रूम है सारा, देखिए अब हम करना चाहेंगे रेस्ट और आज के ब्लॉग का एंड मैं यही करता हूँ। आगे का जो भी पार्ट होगा वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय 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 और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। अब तो करो यार, आपके लिए ट्रिप भी कर रहे हो, इतनी मेहनत करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जो भी नया सब्सक्राइबर है, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मेरी हर वीडियो का। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये देखिए गाइस अभी हमने जो अपना लंच ऑर्डर कर दिया है और हम खाना खाएंगे, अभी थक तो बहुत गए हैं। ये देखिए और इसके बाद अब खाना खा के भाई सो जाएंगे।